सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं काफ़ी दिन बाद ये व्लॉग बना रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि नई सीरीज ही स्टार्ट कर रहे हैं हम, घूमने जा रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी जगह। तो सोचा क्यों ना आज से हम कंटिन्यू करते हैं और आपको भी अपडेट देते हैं छोटा सा। पहले मैं जा रहा हूँ, पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, कुछ काम वाम कर लूँ, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सो ये ले लिया और अभी हम निकल रहे हैं। और बाहर की धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है, इवन गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। और इसीलिए मैं ट्रैवलिंग भी नहीं कर रहा था, क्योंकि गर्मी में ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत। और अभी मैं बताऊँ, कपड़े मैंने भिगो दिए, पैकिंग करनी, कपड़े धोने, कपड़े सुखाने, उसके बाद में मेरे को अभी जाना है सामान लेने, मतलब मार्केट भी जाना है, बैंक भी, मतलब ATM से पैसे भी निकालने, बहुत सारे काम है। क्योंकि मुझे मतलब जल्दी निकलना पड़ रहा है, जल्दी तो नहीं, मतलब मैं थोड़ा लेट था, इतना समझ लो। तो ये है गाड़ी जो कि हमने भाई से ली है, इसमें लगा रहे हैं हम चाबी, ठीक है ना? ये गाड़ी खड़ी की और अभी हम इसको स्टार्ट करके निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं दुकान पे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लाइक राइडिंग करते हुए मोटो व्लॉगिंग कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास सेटअप नहीं है। इसलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ रुका हूँ कंटिन्यू करने के लिए। धूप बहुत तेज हो रही है, इसलिए मैं जल्दी से दुकान पर पहुँचता हूँ, दुकान दिखाता हूँ, सामान लेता हूँ, पैसे निकालते हैं ATM से। बहुत सारी चीज़ें करनी है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। टाइम देखो 1:08 और वहाँ पर अलग टाइम हो रहा है। यहाँ पर आ गए हम दुकान पर, अभी हम निकाल रहे हैं ATM से पैसे। यहाँ पर आ चुके हैं, एक्चुअली मैंने पर्चा दे दिया, वो 1 घंटा लगाएंगे, तब तक मैं पैसे निकाल लेता हूँ और मार्केट होके आ जाता हूँ। लगाया ATM, ठीक है, और अभी देखते हैं क्या डिटेल है। पैसे निकल गए, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ATM कैसे चेंज हो गया, भैया वो चल ही नहीं रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया डायरेक्ट। पैसे ऐसे निकाल लिए, अब चलते हैं खाना खाते हैं चल के आकाश के पास, ठीक है? खाना मेरा वहीं पर है। दूसरा टेम्पर ग्लास डलवाना है, मेरे फ़ोन का टेम्पर ग्लास टूट गया, जिसकी वजह से मेरे को डर लग रहा है मोटो व्लॉगिंग करते हुए, क्योंकि टेम्पर ग्लास मेरा बहुत अच्छा था, उसको भी चेंज करवाना है। तो चलो चलते हैं हम जल्दी से, टाइम हो रहा है 1:15। और अभी यहाँ की धूप देखो भाई, गर्मी देखो, ये देखो, मतलब ऐसे ऐसे कपड़ा बांध बांध के चलना पड़ रहा है, ये देखो भाई साहब को ऐसा सीन हो रहा है यहाँ पे। सो अभी हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी खड़ी कर दी है, अभी हम चल रहे हैं अंदर और इसको ऑफ करते हैं, अंदर शूट नहीं करेंगे, ठीक है? लाइटें जा रखी हैं, फ्रिज का पानी पी लेते हैं। मीट आकाश, आकाश हेलो हेलो आकाश, यहाँ आया है घूमने के लिए और काम के लिए, और अभी हम निकल रहे हैं इस बाइक पे। चलो चलें, चला रहे हो आकाश अब बनाएगा व्लॉग, ठीक है ना? मोटो व्लॉगिंग करेंगे। 1:35 हो रहा है, धूप बहुत तेज़ हो रही है, अब निकलते हैं मार्केट के लिए और आपको भीलवाड़ा का मार्केट गर्मी के टाइम पे दिखाते हैं, गर्मी दिखाते हैं, ठीक है? क्या लेने जा रहे हैं कपड़े? बस हम आउटफिट लेने जा रहे हैं, एक नॉर्मल सी जैसे मैंने अभी पहन रखी है ना वेशभूषा, वैसे ही लेने जा रहे हैं। और कैश है ना तुम्हारे पास? चलो फ़ोन पे तो है हमारे पास। सो गाइस देखो, सामने दिख रहा है आपको बायजूस ट्यूशन सेंटर और हम यहाँ से निकल रहे हैं। ओहो भाई साहब, धूप देखो यहाँ पर क्या हो रही है भाई, गर्मी गर्मी हो रही है, धमाकेदार वाली गर्मी हो रही है। अभी आ गए हम रोड पे और ये है विशाल मेगा मार्ट वाली रोड। विशाल मेगा मार्ट जो यहाँ पे था वो बंद हो चुका है, पहले चलता था, अब इधर से बंद होके बाइस्कोप वाली लाइन में पहुँचा दिया इसको। रॉन्ग साइड में चल रहा हूँ, आई नो, मेरे को उस साइड में जाना है, और थोड़ी देर और अब रोड हो गई खाली। अभी मन तो रॉन्ग साइड का ही कर रहा है, क्योंकि रॉन्ग साइड वाली खाली रोड है, बट ऐसा कर नहीं सकते। फिलहाल लोगों को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंच रहे हैं मार्केट, और थोड़ा स्लो चलानी पड़ेगी मेरे को बाइक, हवाबाजी नहीं करनी पड़ेगी, है ना? ऐसा करते हैं, मार्केट में मिलते हैं सीधा, ठीक है? सो सामने दिख रहा है रेलवे स्टेशन, हम पहुंच चुके हैं सामने रेलवे स्टेशन। इस साइड में दो रास्ते गए हैं, एक तो गया उदयपुर के लिए रास्ता और दूसरा गया अजमेर के लिए, हम जा रहे हैं उदयपुर वाली साइड में। ओ भाई साहब गर्मी बहुत तेज है आकाश, गर्मी बहुत तेज है, बहुत तेज है। टेन 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 टेन, ओ भाई ट्रेन आ गई क्या? ट्रेन आ रही है तो देखते हैं। इतनी गर्म गर्म हवाएं आ रही हैं भाई साहब, पूछो मत कैसा सीन चल रहा है यहाँ पर, बहुत तेज हवाएं आ रही हैं। फाटक खुला है, थैंक गॉड, गाड़ी तो नहीं आ रही है इसका मतलब। चलो अभी हम यहाँ से एंटर हो चुके हैं ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर, गाड़ी तो कहीं नहीं आ रही। वाह बंद कर लो आकाश। भाई साहब कपड़े ले लिए, मतलब बहुत सारे ले लिए, टी शर्टें लेनी थी और लोअर ले लिए और यहाँ से लिए, दुकान बहुत अच्छी है। ये हमारा बिल बना हुआ है, इस साइड में बिल बना हुआ, ये मैंने 5 चीज़ें ली हैं, ये आकाश ने 5 चीज़ें ली है। भाई रेट बहुत कम है, देख लो, मतलब बहुत कम और बहुत सही चीज़ें मिल गई,
गर्मी के अकॉर्डिंग। ये है दुकान के अंकल जी, जिनकी मतलब ओनर है और यहाँ पर दुकान है। आपका एड्रेस क्या है दुकान का? प्रताप टाकीज के सामने, प्रताप कलेक्शन, भाई साहब कलेक्शन, प्रताप टाकीज के सामने। मैंने जो आउटफिट पहन रखा है ना, लोअर और टी शर्ट, मैंने भी यही लिए क्योंकि ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा चीज़ें यही ठीक रहती है। बैग भी हल्का रहता है और ट्रैवलिंग भी अच्छी होती है, इसीलिए मैंने सोचा न्यू आउटवेयर आउटफिट बाय कर लेते हैं। सो चलें, पेमेंट हो गया, चलो चलते हैं, अब कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद में घर चलते हैं सीधा। और ये है 99 वाली शॉप, मतलब यहाँ से आओगे और ये है शॉप, भाई साहब कलेक्शन, मतलब जेन्युइन अच्छे कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे। सो अभी हम निकल रहे हैं आज़ाद चौक से। भाई साहब देखो, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से ज़्यादा मतलब पूरा मार्केट खाली है, वरना यहाँ पर कितनी भीड़ होती है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। अभी तो बहुत ज़्यादा मार्केट खाली हो चुका है यहाँ पर बहुत। और अभी हम पहुँच गए संकट मोचन, मतलब सर्किल का नाम अब चेंज हो जाना चाहिए, सूचना केंद्र पहुँच चुके हैं। हमारे बालाजी का गधा रखा है और राम जी का धनुष रखा हुआ है। अभी मैं इस साइड में चल रहा हूँ, टेम्पर ग्लास डलवाना है मेरे को, ये दिखाओ ना। अभी मैं इस साइड में चलता हूँ, टेम्पर ग्लास डलवाना है, जो कि मेरे फ़ोन का फूट गया है और मुझे डर लगता है मोटो व्लॉगिंग करने में। तो एक दुकान है मेरी यहाँ पर, तो मैं वहीं पर जाता हूँ जहाँ पर टेम्पर ग्लास सही डाल देते हैं, अच्छे डाल देते हैं, बढ़िया डाल देते हैं यार। और वो दुकान कहाँ गई यार, दुकान गायब हो गई क्या? दुकान किस लाइन में यार, कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, दुकान पीछे रह गई शायद, यही होता है भाई साहब जब आप भीलवाड़ा के मार्केट में घूमते हो, आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ जा रहे हो। इधर जाना पड़ेगा, वो दुकान यार कहाँ गई है। धूप तो बहुत तेज आ रही है, जेन्युइन बहुत तेज आ रही है। हो, 4:08 होने लग जाएगा मेरा, अभी 2 मिनट में 4:08 होने लग जाएगा, देखना। तो इसलिए ऑफ कर दो आकाश। तो ये लकी मोबाइल, यहाँ पर हम आए हैं, टेम्पर डलवाते हैं और टाइम हो रहा है 2:24, टेम्पर डलवाते हैं फ़ोन में। और धूप बहुत तेज़ हो रही, सच में बता रहा हूँ। स्मूथ है, गोरिल्ला ग्लास शक्ल दिख रही है मेरी, देखो है इतना ज़्यादा स्मूथ है ये। इसमें मैंने लगवाया, ये आकाश का है और शूट कर रहा हूँ वो मेरा है। आज की शॉपिंग हो गई, कपड़े भी ले लिए, फ़ोन का टेम्पर ग्लास भी चेंज कर दिया, अब चलते हैं घर। भाई पानी पी लिया, अब ऐसा करते चलते हैं। देखो गर्मी में सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी, पानी पीते रहो बस, जितना पानी पी सकते हो उतना पियो, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, राजस्थान की गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। और मुझे ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लैक क्या करता है, धूप को एब्जॉर्ब करता है। तो गर्मियों के टाइम पर ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बट मैंने पहन लिए, अब कुछ कर भी नहीं सकते, और मैंने ख़रीद भी लिए ब्लैक कलर के। अब चलते हैं घर, और कुछ थोड़ी ना करना है, हाँ कुछ कुछ नहीं करना, चलो घर पे चलते हैं। सो हम पहुंच गए, अब ऐसा सीन है कि लाइक टाइम हो रहा है 2:40, 2:40 पे हम पहुंच चुके हैं, मतलब हमें हो गया 1.25 घंटा हो गया शॉपिंग करते हुए। अब आप सोचोगे कि यार शरद भाई ट्रैवल करते हो, पैसा कहां से लाते हो? तो पैसा लाने के लिए मैं थोड़ा बहुत जॉब भी कर लेता हूं, तो मैं जा रहा हूं काम करने, और इसलिए हम आपको मिलेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि देखो अभी टाइम तो हो रहा है, मतलब टाइम तो बहुत कम हो रहा है 2:40, तो मैं घर पे जाऊंगा 4 या 5 बजे घर पे जाऊंगा। तो अभी 2-3 घंटे हैं, तो 100-200 रुपये कमा लेता हूँ, 200 रुपये तो कमा ही लूँ 2 घंटे में, है ना। तो ऐसा सीन है, थोड़ा बहुत मैं कटिंग निकालनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी निकलती हैं, स्पीड आ गई ना इसलिए। सो अभी टाइम हो रहा है 6:45 और अभी हम पहुंच रहे हैं घर के लिए। एक्चुअली मुझे 3 घंटे हो गए, 3-3.5 घंटे हो गए यहाँ पर, 3 बजे आया था, 3 से 6:30 बज रहा है, 3.5 घंटे में काम बहुत कम किया क्योंकि बातें कर रहा था फ़ोन पे। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, ये कपड़े ले देने और सामान, पर्चा देके आया था ना, वो सामान भी उठाना है, वहाँ से घर ले जाना है, और घर पे बहुत सारे काम पहले से हैं वो भी करने हैं, उसके बाद में पैकिंग करनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी धूप नहीं है, मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है, ऐसा सीन है, देखो धूप तो है ही नहीं बिल्कुल। भाई साहब घर पहुंच गए, ठीक है ना, और आप लोग सोच रहे होगे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, है ना, पैदल चल रहे हैं। जेन्युइन हमारे पास गाड़ी नहीं है, क्योंकि गाड़ी मैंने घर पे खड़ी है और एक भाई को दे दी है, इसलिए मैं घर जा रहा था, मैंने सोचा सामान लेते हुए चलता हूँ और वापस नहीं आना पड़ेगा, अगर वापस आते तो गाड़ी से आते, इसलिए मैंने उठा लिया सिर पे, मैंने को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वापस नहीं आना पड़ेगा बस, मैं इसके लिए अपने सिर पे ही लेके जा रहा हूँ बस। वज़न है कम से कम 15-20 किलो तक है, 15 किलो तक तो है आसानी से। मोहल्ले में फर्स्ट टाइम लोग मुझे ऐसे देखेंगे, ठीक है, वो कहेंगे भाई क्या सीन है, बट मुझे वापस नहीं आना था इसलिए मैंने ऐसे ही लेके जा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं मतलब ज़्यादा वो है। सो अभी हो रहा है सनसेट और टाइम देख सकते हो आप, टाइम
टाइम 7:02 हो रहे हैं और इस टाइम सनसेट हो रहा है। अभी भी इसको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। देखो क्या खूबसूरत दिख रहा है ना, इतना खूबसूरत दिख रहा है मतलब पूछो ही मत। इस साइड में सारे लोग खेल रहे हैं बैट बॉल। और अभी हम आ चुके हैं घर पे, थक गए यार, वहाँ से उठाने में दर्द होने लग गया सीना। मैंने सिर पे सामान वामान नहीं उठाता, मैं सिर पे मतलब नहीं उठाता, थक गया मैं। अब ऐसा करता हूँ मैं कपड़े वपड़े पैक वैक करता हूँ, नाप धो लेता हूँ और बहुत सारी चीज़ें वो भी करता हूँ, ठीक है। मतलब बहुत सारे काम है, बहुत सारे पैकिंग करनी है, मे भी कल निकलना पड़ जाएगा। कल मॉर्निंग में निकलेंगे या कल शाम को निकलेंगे, कल 23 है, ठीक है। 25 को हम देहरादून में मिलेंगे अगर किस्मत अच्छी रही तो। सो